दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो न्यू रिक्वायरमेंट की जो नोटिस यहाँ पे जो निकाली गई है, जो कि रिसेंटली में जो है इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट जो है ऑल इंडिया से जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपका चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें कि जो पोस्ट नेम आपको दी गई है, फर्स्ट में जो है आपकी जॉइंट जनरल मैनेजर्स की पोस्ट यहाँ पर दी गई है, सेकेंड में आपके डिप्टी जनरल मैनेजर्स जो कि आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स की यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, थर्ड में जो है डिप्टी मैनेजर्स यहाँ पे प्लानिंग की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट पोस्ट यहाँ पे जो है दी गई है। टोटल जो सीट है यहाँ पे जो है पाँच यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पर बनाई गई है। तो आप अगर किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार सीटें देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक पे स्किल आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो अगर आप कौन से पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं, तो उनके अनुसार यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका सैलरी आपका यहाँ मिनिमम जो है 70,000 एंड मैक्सिमम जो है 1 लाख के बीच में जो है आपका यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें, तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है, मैक्सिमम यहाँ पर जो है 43 आपको यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। न्यूनतम जो आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो न्यूनतम आपके यहाँ पे 4 साल की जो है एक्सपीरियंस होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जितने भी सारे एक्सपीरियंस होगी, लाइक अगर आप 5 इयर्स 7 इयर्स 8 इयर्स आपके जॉइंट जनरल मैनेजर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इनके ये जो पोस्ट है आपके इसमें जो है 15 इयर्स की यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस ली जा रही है। वहीं पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात कर लें, तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ली जा रही है, तो पोस्ट कोड नंबर 1 अगर आप इसमें जॉइंट जो आपका जनरल मैनेजर्स में अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो है आपके ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसमें कि आप मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कर रखे होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम आपकी 15 ईयर्स की जो है आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, जॉब की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे बताई गई कि क्या जो है आप इसमें अगर सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको यहाँ पर किस प्रकार के वर्क आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। सेकंड जो पोस्ट कोड यहाँ पे दी गई है, इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट यहाँ पे बताई गई, तो आप अगर आप ग्रेजुएट किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से कर रखे होंगे, या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी अगर आप CA कर रखे होंगे, या फिर अगर आप जो है कोस्टल अकाउंट्स भी कर रखे होंगे, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट कोड नंबर 2 आपको दी गई है, जो कि अकाउंट्स के लिए, इसके लिए भी आपको यहाँ पे जॉब के जो रोल्स होने वाले, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे होनी, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसको जो है रीड कर सकते हैं। थर्ड नंबर में जो आपका पोस्ट कोड यहाँ पे 3 है, इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप ग्रेजुएट जो जिसमें कि आप मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे, एंड न्यूनतम जो है आपकी 4 ईयर्स की यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शंस की प्रोसेस आपके यहाँ पे होने वाली है, तो 2 स्टेज में जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शंस की प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है। तो फर्स्ट में जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगी, देन जो कैंडिडेट अगर आप इसकी इंटरव्यू में सिलेक्टेड होते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के तौर पर जो है आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये 2 ही माध्यम से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाली है। अगर यहाँ पर इसकी अप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर बात करें, तो जो अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर ली जा रही है, तो अगर आप कौन से कैटेगरी से हैं, अगर आप अनरिजर्व या फिर अदर की कैटेगरी से होंगे, तो उनको जो है नॉन रिफंडेबल आपको 300 जो है अप्लीकेशन फ़ी या फिर प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पर आपको यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो कैंडिडेट अगर आप SC ST के कैंडिडेट होंगे, उनको जो है आपका 50 रुपीज़ जो है प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर आपको यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो इस अप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर पाओगे, तो यहाँ पर जो कंडीशंस रखेगी कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आप इसका अप्लीकेशन फ़ी को या फिर प्रोसेसिंग फ़ी को जो है पे कर पाओगे, तो आपको DD किस नाम पे बनवानी होगी। तो यहाँ पे जो दी गई कि MS चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड पेएबल एट चेन्नई, तो ये आपका चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के नाम से जो है आपको DD बनवानी होगी, एंड देन जो है इसके लिए जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एक्सपीरियंस है 4 साल 13 साल या फिर 15 साल का, अगर आपके पास जो है मैकेनिकल सिविल की या फिर डिग्री होगी, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करनी है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस नंबर आपको यहाँ पे दी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको जो है पोस्ट अप्लाई में यहाँ पे ऊपर में एप्लीकेशंस के फॉर्म जो है वहाँ देख करके जो है आप लिखिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसके जो आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा, देन वहाँ से इसकी जो एप्लीकेशंस की फॉर्मेट होगी उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। देन आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर जो है उसकी प्रिंट आपको ले लेनी है। प्रिंट लेने के बाद जितने भी सारे जो वहाँ पे डिटेल्स आपको दिए होंगे उसको आपको जो है अच्छी तरह से जो है फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस के साथ जो आपको यहाँ पे लगवाने पड़ेगी, तो जो आप एप्लीकेशंस फी पे कीजिएगा उसका आपको DD भी आपको उसके अंदर जो है लिफाफे के अंदर जो है आपको देनी पड़ेगी। एंड बायोडाटा फॉर्म आपको यहाँ पे एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बर्थ या फिर यहाँ पे जो बर्थ की सर्टिफिकेट होगी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होगी, ये सब सभी जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो है आपको संलग्न करके यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस में जो है आपका यहाँ पे 7/2021 यानी कि 7 जुलाई से पहले जो है आपको भेज देनी है। भेजने के बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे जितने सारे जो डिटेल्स वहाँ पे भेजिएगा इस एड्रेस में, उसके साथ में जो यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी में भी जो है आपको स्कैन करके या फिर जैसे आप चाहें PDF में कन्वर्ट करके आपको जो है सेम डेट यानी कि 7 जुलाई से पहले जो है आप इसको भेज देना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो DD आपको यहाँ पे बनवानी होगी, यहाँ पे देख पा रहे कि जो बेनिफिशियरी जो नेम आपको यहाँ पे MS चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड दी गई है, अकाउंट नंबर IFC कोड एंड ब्रांच आपका यहाँ पे जो है कोयम्बे बेडू चेन्नई यहाँ पे दी गई है, इसी नाम से जो है आपको यहाँ पे DD बनवानी होगी। ठीक है, इसके लिए अगर आप यहाँ पे क्वायरीज चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की अगर आप इसमें अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसकी टेलीफोनिक क्वायरीज भी आपको यहाँ पे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पे ओपन रहती है। आप उसमें कॉल करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर जो इसकी ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी में जो है आप कॉन्टैक्ट करके जो है आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये जो है इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जितने सारे जो डिटेल्स आपको दिए गए हैं इसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपको भेज देनी है। एंड भेजने के बाद जो है जो ईमेल आईडी दी गई थी उस ईमेल आईडी में भी जो है आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 जुलाई से पहले जो है आपको वहाँ पे भेज देनी है। तो इस प्रकार से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाए करके। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।